हमारे साथ परवीन अकबर साहिबा हैं, हमारे साथ मारिया हैं और हमारे साथ किरण खान भी आज मौजूद हैं। और आज का शो स्पेशली उन ख्वातीन के लिए है जिनको लग रहा होता है कि भाई हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे घर बैठ के चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है जनाब, आप घर बैठ के भी बड़े आराम और अच्छे तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सबने अपने घरों से शुरुआत की थी और ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स देखे पाकिस्तान में स्थिति तरक्की कर ली है कि ख़वातीन बड़े आराम से आपने घर बैठे हैं, आपने कपड़े बनाए, आपने ज्वेलरी अच्छी बनाई है, आपने खाना बनाया और आप सब बेच रहे हैं। और अब सिर्फ माइंड चेंज करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। हाँ। एक कमरे से सो के उठ रहे हैं, दूसरे में तैयार हो रहे हैं, तीसरे में काम कर रहे हैं, फिर चौथा फिर वही कमरा आ गया। था कॉफी शॉफी के लिए बाहर जाए है ना, बहुत काम के लिए कहीं बाहर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये क्योंकि यूजुअली खवातीन कहते हैं घर से बाहर निकलेंगे हाँ। तो पेट्रोल इतना लगता है हाँ। तो घर बैठे हाँ। घर बैठ के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन वो ये है कि अपने घर की किचन में जाएं और कुछ ऐसा बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके घर का टेस्ट शामिल हो। बिल्कुल। तो किरण ने इस किचन में गई हाँ। क्योंकि किचन के शोज तो किरण बहुत करती थी हाँ। और उसके बाद फिर किरण को भी एक आइडिया है कि मैंने कुछ करना है। तो मुझे हाँ। ये बताएं कि आपको कैसे वैसे किरण ख्याल आया कि मैं हाँ, मुझे कभी भी मैं बिजनेस माइंडेड मेरा मैं उस तरह की नहीं हूँ इंसान, ना ही मैंने कभी सोचा कि मैं बिजनेस करूंगी और वो भी इस तरह का ब्रांड निकालूंगी। और खाने में कुकिंग का शौक है लेकिन इस हद तक नहीं है कि जैसे मैं लोगों को खवातीन को देखती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे उस पर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल लिए। तो ये अचानक से जो ब्रांड है तबर्रुक, एक्चुअली तबर्रुक के अगर आप मीनिंग देखें तो इसके मतलब है ब्लेसिंग्स फ्रॉम सेंट्स एंड एंसेस्टर्स। तो ये भी मेरे लिए एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक मिरेकल है। एंड आई विल से कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हील किया है। तो ये जो मुझे आइडिया आया था ना, ये कैसे आते पूछूंगी लेकिन मैं जाऊंगी जरा काउंटर पे चलती हूँ क्योंकि वहाँ पे जो तबर्रुक है जो असल में वहाँ पे मैंने तो ना हमने पहले निबलिंग भी शुरू कर दी थी, पहले वो जरा खाना पीना शुरू कर दिया। बाय द वे मैं पहली बार इसको इस तरीके से प्रमोट कर रही हूँ ब्रांड को। मैं बहुत ज्यादा लेजी तो नहीं कहूंगी लेकिन मैं थोड़ी सी शाय हूँ इस मामले में किसी भी चीज को प्रमोट करने में। तो मैं फर्स्ट टाइम आप ही के शो पर आ रही हूँ। मेरे तो बड़े इजाज़त। तो ये वो ब्रांड है तबर्रुक और इसका लोगो वो को भी मैंने खुद ही डिजाइन किया। आपने कहा मिरेकल, तो आपने क्यों नाम क्यों रखा वैसे तबर्रुक? मैंने बताते रहते हैं लेकिन मुझे पता नाम क्यों रखा। नाम क्यों रखा? एक तो इट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग एंड टू मी इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ। कैसे सोचा कि एकदम जैसे एक दिन आइडिया है? आपको पता है ये विदिन लाइक कपल ऑफ डेज इसका मैंने लोगो भी तैयार किया। मैंने आज तक कभी ये तबारे की रोटी होती है ना ये मैंने कभी बनाई नहीं थी ना मुझे आती थी। मैं खशखश और सौंफ की ना मैंने एक दिन ऐसी बनाया विदिन, मैंने कहा बस आइडिया आया कुछ। मैं असल में अंदर से ना इंटरनली कुछ ना कुछ खोज कर रही थी। तो वो खोज जब आप करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला वो आमद देता है आपको। वहीं से आइडिया आया, तबर्रुक वर्ड आया और मैंने कहा बस ये मैं कर लेती हूँ। डिजिटल ग्राफिंग का मैंने वो थोड़ा सा कोर्स किया हुआ था, लोगो शोगो बना लेती हूँ, वो भी खुद बनाया, प्रिंट कर दिया, ये सब थोड़े से आराम से हाँ। सब चीज़ें। और अचानक से मैं अपने सैलून चली गई, नीलोज पे मैं जाती हूँ तो मैंने उनसे बात भी कर ली, हाँ हाँ रखवा दो, हर चीज कर दी। कॉस्टिंग भी मैंने शायद ठीक से नहीं की होगी, बस एक था कि बस कर लो ना। तो इट हैज इट्स बीन अ हीलर टू मी एक्चुअली। कितने साल से कर रही है? कितना टाइम हो गया है? बट मैं ऑनेस्टली इसको इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, इसका पेज भी बनाया मैंने इंस्टा पर। प्रमोट क्यों नहीं किया? शर्म आती है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना चीज सकते हैं थोड़ा सा ऐसा। सोचो मैंने अपने शो तक पे भी प्रमोट नहीं किया जो मैं करती हूँ। बट ये कि मैंने इसको अभी एज इस तरीके से नहीं स्टार्ट किया कि मैं इसी से कमाई करूंगी और इसी से ही प्रॉफिट करूंगी, लेकिन ये कि इन द लॉन्गर रन अगर अभी तो मेरी जॉब है, कल को जॉब नहीं होगी तो मैं फुल टाइम शायद आ जाऊंगी। ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप तो ले लिया ना कि चलो एक ब्रांड आ गया। आपने इतनी अच्छी बात की, थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि देखिए वाकई ये जॉब है, ये जॉब के साथ साथ एहसास होता है कि अपना एक साइड बिजनेस बहुत हो, कि खुदा ना खासा कल कला मेरे पास ये ना हो तो मेरे हाथ में कोई मेरा अपना बिजनेस तो ये आपकी पहचान होती है, वो जॉब होती है, पहचान आप अपने काम से बनाते हैं ना। तो वो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। क्या क्या चीजें बनाई आपने? अच्छा मेरी बहुत लिमिटेड चीजें हैं, मेरे पास बहुत वास्ट वैरायटी नहीं है। मेरी ज्यादातर बनाना ब्रेड होती है, लेमन केक होता है,
और मेरे पास एप्पल सिनेमन ब्रेड होता है वो बनाती हूँ, ये तबारिक की रोटी होती है, इसको मैं बटर में एक्चुअली बनाती हूँ भाई। और बाकी इतने मजे किए हम पहले भी ना सारे, क्यों बताएंगी, एक छोटा सा गिफ्ट पैक लेकर आई हूँ मैंने, और मेरी टीम भी आप देख लें, खबरदार आपने इसको हाथ लगाई है, ये मैं घर लेके जाऊंगी। खरीद रही है मेरे से, कहेंगे हमने ये बाय करना है, ये बाय करना है। मेरी टीम कितनी अच्छी, मेरी टीम है, मुझे तो नहीं खरीदना। नहीं नहीं खरीदना। अच्छा, लेमन लेमन केक भी जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है पसंद किया जाता है। इनफैक्ट निदा ने ट्राई किया था तो कह रही थी कि मैंने वो जो इंटरनेशनल एक चेन है ना जो हर जगह चलती है, वो जो इसी तरह का गोल सा उसका वो है, कह रही थी उससे अच्छा बना है तुम्हारा लेमन केक। मैंने कहा रियली, मैंने कहा दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट। और ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पता है जो आप बात करी ना, ये स्पेशली जो मंसूब भी है, अगर जैसे बरो की रोटी खसखास उसकी बनती भी है, वो गुड़ में बनती है, तो उसके भी ना एक टाइम होता है स्पेसिफिकली। और मैं आपको बताऊँ, ये वो नहीं अवेलेबल होती, नहीं मिलती है आपको वो स्पेसिफिकली, कुछ घर है, घराने हैं, अगर वो बनाते हैं तो, लेकिन ये वगैरह में कहीं नहीं मिलती है। आप उनको ऑर्डर देंगे, आपको बनी बनाई कहीं नहीं, तो बाज दफा आपका दिल चाहता है ना वो सौंफ वाला, खसखस वाला, इवन के ये जो बनाना ब्रेड है ना, ये आपको कहीं नहीं बेकरी पे मिलती। बनाना ब्रेड भी आप लोग घर ही में ही बनती है, लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी बेकरी भी मिल जाती है, लेकिन बनाना ब्रेड मैंने तो खैर नहीं देखी, मैंने मतलब शायद ऑर्डर पे बनाते हैं जी। भी आपको कोविड से शौक थे ना, कोविड में बहुत सारे लोगों ने, नहीं कोविड वोविड का मेरा कोई हिस्सा लेना देना नहीं है, बस ये मे बी आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, तो वो एक होता है ना अंदर से, आई वॉन्ट टू कीप माई माइंड बिजी, कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में ना अपने माइंड को लगाइए, बजाय इसके कि आप ऑल फॉल सोचें या कुछ और सोचें या खामा खामे दुखी हो या डिप्रेस। आपके घर वाले बताते हैं कि जी, वैसे तो आपके घर वाले एक ऐसे घर में भी मौजूद है, सो मैं उसके वाले से बात भी करूंगी कि आप जब कुकिंग कर रही थी ना, तो आप पीछे सूर्य रहमान की तिलावत लगा देते। मैं जो टेस्ट है वो सुना से तो नहीं आ गया। एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी अल्लाह की तरफ से, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स कह लीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी कह ली थी, क्योंकि मैं एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं उसमें एक एनर्जी होती है। आप जिस मूड में जिस मिजाज में खाने बना रहे हैं वो एनर्जी आपने खाने में डाल दी, तो बोलते हैं जैसा जैसा अन्न वैसा मन। तो मुझे बताएं उस वक्त आपकी जो अंबर जी हैं वो जिस घर में मौजूद है वहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपने सोचा अजीब एनर्जी कि कुछ अपने पॉजिटिव एनर्जी का बना हुआ खाना उन तक पहुँचाए। हाँ, तो मेरे ख्याल से सब पीसफुल हो जाएंगे। अगर आप खाने में थोड़ी सी वाइब्रेशन, मुझे नहीं लगता मेरे से बेहतरीन किस्म के केक्स और एक से बढ़कर एक केक्स बेकरीज में मौजूद है, लेकिन लोग जब ये खाते हैं तो उनको इतना पसंद आता है। मैं कहती हूँ हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी रेसिपी है, मेरी अपनी भी नहीं है, मैंने तो YouTube से ली 3-4 रेसिपीज को मिक्स करके। YouTube से कितना, हाँ, मैंने सारा कुछ कितना काम करा है। हमारे से राबिया कॉलर है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक राबिया, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं किरण आप ही से बात करना चाहूंगी, टीवी ऑन है, बहुत बड़ी फैन हूँ। जी जी बिल्कुल, आप से बात कैसी किरण आप? अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? टीवी के पास बहुत अच्छी, बहुत खुश, कामयाब। बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं आप और बहुत मजे के खाने बनाती भी हैं। अब आपने कुकिंग शो ही छोड़ दिया है? हाँ नहीं, कुकिंग शोज कर रही हूँ, होस्टिंग कर रही हूँ, उसमें कुकिंग नहीं कर रही। जी हम आपकी कुकिंग का बहुत, आप कुकिंग घर पे करती हूँ? एक्चुअली उनका टीवी ऑन है ना, वो सारी आवाज। चले बहुत शुक्रिया राबिया। और ये देखिए, क्योंकि आप इनको मिस कर दी तो हमने सोचा हमको हम बुला लेते हैं। हाँ। मुझे वैसे अगर मैं आप तीनों से पूछना चाहूँ, आपने बोला ना कि बहुत खुश बहुत कामयाब, तो कामयाबी का एक टोटका जो आप खवातीन के साथ शेयर करना चाहें वो क्या है? रेसिपी कामयाबी की क्या है? रेसिपी कामयाबी की वैसे तो ये है कि मेरे नज़दीक कामयाब वो है कि जब आप यू कीप डूइंग द राइट थिंग Even when you don't feel like, मतलब आपका दिल नहीं भी चाह रहा है अच्छा काम करने का, आई मीन किसी ने आपको हर्ट किया, नहीं दिल चाह रहा उससे अच्छे से बात करने का, तब भी आप अच्छे से करें ना, तो वो जो आपने कंट्रोल किया ना अपने नफ्स को, वो आपके लिए कामयाबी है, फिर आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं फील्ड में। हाँ परवीना पा, आपके करीब क्या रेसिपी है कामयाबी की? कामयाबी की रेसिपी जो है, आप जिन हालात में आप रहते हैं उन हालात में अपने आप को ढालने की कोशिश करें,
जो तकलीफ भी होती है उसे भी सहें, जो अच्छा वक्त आता है उसको भी अच्छे से लें, सब्र और बुरे वक्त से घबराएं नहीं।